हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स ओके जो कि बीएससी केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज वेल एज क्लास ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ठीक है तो लेट्स विथ इट यस सो आज का अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड एंड द प्रोटीन्स ठीक है तो प्रोटीन्स आपको पता है कि एक बायोमोलिक्यूल है ओके अब प्रोटीन्स भी किससे मिलके बने होते हैं अमीनो एसिड्स अब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है तो एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है अमीनो एसिड का जैसे ये कार्बन है इससे एक सी ओ एच ग्रुप होगा इससे एक आर ग्रुप होगा एक एच ग्रुप होगा और एक एन एच टू ग्रुप होगा दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीनो एसिड ओके नाउ ये अमीनो एसिड ये तो एक अमीनो एसिड है अगर ये आर ग्रुप रिप्लेस हो जाए आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है हाइड्रोजन भी हो सकता है सी एच टू भी हो सकता है एन एच टू एन एच टू नॉट एन एच टू एन एच टू सी एच थ्री एन एच टू कुछ भी हो सकता है आर ग्रुप ओके आर ग्रुप के बेस पे अमीनो एसिड की नेमिंग होती है ग्लाइसिन एलिन वेलिन आइसोल्यूसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट वॉट इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ पैप्टाइड एंड द प्रोटीन ठीक है तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिल के क्या बनाते हैं प्रोटीन बनाते हैं अब पैप्टाइड क्या होता है तो पैप्टाइड में लिंकेज कौन सी होती है पैप्टाइड लिंकेज एनएचसीओ लिंकेज जब दो प्रोटीन्स जुड़ते हैं तो ये लिंकेज प्रेजेंट होती है एनएचसीओ ठीक है ये लिंकेज कहलाती है पेप्टाइड लिंकेज और जब बहुत सारे प्रोटीन्स आपके जुड़ के जुड़ने लगते हैं इस लिंकेज के थ्रू तो वो होता है पेप्टाइड ठीक है अब अपन देखते हैं कि इस के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ओके okay? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बच्चों क्या होता है कि किस ऑर्डर में अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं ठीक है सो so, सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर देखें सो so, क्या आप देखोगे कि द ऑर्डर इन विच अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंट इस कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर तो जैसे कि फिर वेलीन फिर आइसोल्यूसिन फिर फिर से ग्लाइसिन ये ऐसे जुड़े हुए हैं तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया कि किस मैनर में जुड़े हैं एंड डैट इज व्हाट वी कॉल्ड एस प्राइमरी स्ट्रक्चर ठीक है अब अगर अपन बात करते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ठीक है अब अपन बात करते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अपन बात करते हैं स्पेशल अरेंजमेंट की ठीक है किसकी स्पेशल अरेंजमेंट की स्पेशल अरेंजमेंट मतलब होता है कि किस तरीके से एटम्स अरेंज्ड हैं ठीक है पेप्टाइड चेन में किस तरीके से एटम्स अरेंज्ड हैं उसको अपन कहते हैं स्पेशल अरेंजमेंट सो दैट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पैप्टाइड चेन इज नोन एज वॉट इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ठीक है अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी दो चीजें हो सकती हैं क्या हो सकती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो कॉन्फर्मेशन हो सकते हैं एक हो सकता है आपका अल्फा हेलिक्स एक हो सकता है आपका बीटा हेलिक्स ठीक है बीटा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट आप कह सकते हो तो ये तो था आपका अल्फा हेलिक्स अब अल्फा हेलिक्स क्या है कैसे होती है तो अल्फ़ा हेलिक्स में आप देखोगे कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड ठीक है और बहुत सारे पेप्टाइड को हमने मिला दिया बहुत सारे प्रोटीन को जोड़ दिया ठीक है तो डैट इज वॉट पॉलीपेप्टाइड अगर ये इस तरीके से है तो राइट right हैंडेड है ये ठीक है राइट हैंडेड है तो इसको आप बोलते हो अल्फ़ा हेलिक्स ठीक है क्योंकि ये हेलिकल फॉर्म में अरेंज्ड है और ये पूरा एक टर्न ठीक है ये एक टर्न जो ये एक टर्न है पूरा आपका एक इस एक टर्न में तीन अमीनो एसिड्स होते हैं ठीक है अब अपन देखते हैं कि इसमें ये स्टेबल स्टेबल क्यों क्यों होते हैं? क्यों होते हैं हैं दीज आर स्टेबल बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओके तो ये जिस तरीके से इनका अरेंजमेंट है इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी एफिशिएंटली पॉसिबल हो पाती है जिसकी वजह से ये जो पॉलीपेप्टाइड्स है है ना स्टेबल करती है इसको सो so, जैसे अल्फा कैराटिन है है ना जिसमें किस-किस में, किस -किस में प्रेजेंट होता है अल्फा कैराटिन जैसे स्किन में हेयर में फेदर्स में है ना तो ये जो अमाइड ग्रुप का जो हाइड्रोजन है ठीक है के बीच में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन के बीच में और कोई भी नेगेटिव एटम के बीच में तो इस वजह से अल्फा हेलिक्स काफी स्टेबल होती है अब अपन देखते हैं बीटा प्लेटेड शीट तो बीटा प्लेटेड शीट भी दो टाइप की हो सकती है एक हो सकती है पैलरल एक हो सकती है एंटी पैरल ठीक है तो जैसे आप देखोगे की आ, किसी भी अमीनो एसिड में एक होता है एन टर्मिनस एक होता है सी टर्मिनस ठीक है तो जैसे ये एक अमीनो एसिड है बेसिक स्ट्रक्चर है ये अमीनो एसिड का इसमें दिस इज सी टर्मिनस जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है ठीक है और ये है एन टर्मिनस जहाँ पे अमीन ग्रुप है तो आप ये वाली चेन देखो और ये वाली चेन देखो ठीक है अब आप बी वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तो आपको देखिएगा ये ए स्ट्रक्चर बीटा प्लीटेड शीट दिखा रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ठीक है अब आप बी में देखोगे तो पहला स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर को देखो पैलरल एंड द एंटी पैलरल अरेंजमेंट ऑफ व्हाट बीटा प्लेटेड शीट तो ये देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ये अभी एन एच टू ये, ये कार्बोक्सलिक वाला ये वाला कार्बोक्सलिक वाला कार्बन है ये एच एक है और एक आर ग्रुप है तो ये एक अमीनो एसिड है ठीक है ये एक अमीनो एसिड है फिर यहाँ पर ये एक अमीनो एसिड है फिर एक अमीनो एसिड है फिर ये अमीनो तो ये आप देखो कि जो अमाइड ग्रुप था है ना एन एच सी ओ है तो एन एच ग्रुप जो था इसके हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप का ऑक्सीजन है इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई फिर यहाँ देखो ये अमिनो एसिड शुरू हुआ यहाँ पे ये अमिनो एसिड शुरू हुआ तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई यहाँ हुई यहाँ हुई तो एक एन टर्मिनस से शुरू हो रहा है एक सी पे खत्म हो रहा है एक एन से शुरू हो रहा है सी पे खत्म हो रहा है दूसरे वाले में देखो आप कि यहाँ पर एन से शुरू हो रहा है सी पे खत्म हो रहा है पर दूसरा वाला सी से स्टार्ट हो रहा है और एन पे खत्म हो रहा है ठीक है तो आप यहाँ पर देखो कि आमने सामने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है है ना और ये है आपके पैलरल एंड द एंटी पैलरल अरेंजमेंट ठीक है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तो प्राइमरी में हमने देखा कि किस तरीके से अरेंज है आपकी अमीनो एसिड तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आपने देखा कि किस तरीके से स्पेशल अरेंजमेंट है आइटम्स का है ना पॉलीपेप्टाइड चेन में अब आप देखोगे कि ये थोड़ा सा उसका इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे बन रही है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बो जो कार्बन है उसके ऑक्सीजन के बीच में और अमाइड वाला जो ग्रुप है उसके हाइड्रोजन के बीच में बन रही है ठीक है सो so, एक में ऑल्टरनेट बन रही है और एक में कैसी बन रही है अब बिलो द प्लेन बन रही है ठीक है ये देखो अब बिलो और एक में ऑल्टरनेट बन रही है सो इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर दो पॉसिबिलिटीज हैं या तो पैलरल बीटा प्लेटेड शीट होगी या तो एंटी पैलरल तो पैलरल बीटा शीट का जो अरेंजमेंट है उसमें आप देखोगे कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक ही डायरेक्शन में रन हो रही है एन से स्टार्ट हो रही है सी पे खत्म हो रही है दोनों बट एंटीपैरेलल में आप देखोगे कि दोनों चेन्स जो है वो ऑपोजिट में चल रही हैं ओके सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट क्या है अलग-अलग है जिसकी वजह से एंटीपैरेलल चेन जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज़ कंपेयर टू व्हाट पैरेलल वन तो ये आपकी पैलरल है एन से स्टार्ट एनसेस्टाटोरीसी पे खत्म एन से कथा मैंटोरीसी पर कथा ये एंटी पैलरल है एंटी पैलरल ज्यादा स्टेबल है आपकी ठीक है सो ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर हुआ अब अपन देखते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर तो टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि टर्शरी स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं तो अपने सबसे पहले था बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें कि क्या था कि अमीनो एसिड कैसे अरेंज है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर अब अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बन गया पेप्टाइड बन गया अब पॉलीपेप्टाइड में आटम्स के किस तरीके से अरेंज्ड हैं वो अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया टर्शरी में क्या आप देखोगे कि फर्दर फोल्डिंग कैसे हो रही है पॉलीपेप्टाइड चेन की ठीक है so, सो टर्शरी स्ट्रक्चर आपको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताता है ठीक है so, सो टर्शरी जो स्ट्रक्चर होता है वो भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंट और इसलिए मैंने इस लाइन को हाईलाइट किया है ये एनसीआर टी में भी दी हुई है और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आता है एक मार्क्स में कि टर्शी स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऐसी बॉन्डिंग है या फैक्टर्स हैं जो उसको स्टेबिलाईज करते हैं तो एक प्रोटीन ठीक है प्रोटीन क्या है अमीनो एसिड उसकी यूनिट है और प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड को मिला देने के बात बनता है तो प्रोटीन स्ट्रक्चर इन सच डेट फेवरेबल आर और जो अनफेवरेबल है वो इंटरक्शन मिनिमम हो ठीक है तो अब टर्शरी स्ट्रक्चर किस सेंस में इंपॉर्टेंट है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो वो भी आपको कभी कभी पूछा जाता है सो इट इम्पोर्टेंस इज वॉट की एक्टिव साइट जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा तो ये एंजाइम है ना लॉक इन की मॉडल को भी एक्सप्लेन करता है और क्या एक्सप्लेन करता है स्पेसिफिसिटी एंजाइम की है ना जैसे एक लॉक है उसकी एक पर्टिकुलर की होती है वैसे ही आपका जो एंजाइम है उसके लिए सबस्ट्रेट भी फिक्स होगा कोई भी सबस्ट्रेट नहीं आके काम करेगा ठीक है नाउ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन इट शोज वॉट सुपर हेलिक्स इन विच अल्फा हेल्सिस आर कॉइल्ड अब आप यहाँ देखो ये है अल्फा हेलिक्स है ना ये हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पढ़ा अब बहुत सारे अल्फा हेलिक्स मिलने के बाद आप देखोगे क्या बन रहा है बहुत सारे अल्फा हेलिक्स मिलने के बाद आपका टर्शरी स्ट्रक्चर बन रहा है ये अल्फा हेलिक्स कितनी बार कॉयल हो गई ये अल्फा हेलिक्स है ना और ये जब कॉयल हो रही है इसके बाद आपको क्या मिल रहा है एक सुपर हेलिक्स, ठीक है और ये आपका क्या है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो ये क्या है ये है टर्शरी स्ट्रक्चर सो ये आपका हुआ टर्शरी स्ट्रक्चर ठीक है अब इसके बाद आप देखोगे कि क्वार्टर स्ट्रक्चर क्या होता है सो प्रोनाउंस्ड फोल्डिंग इज ऑब्जर्व इन स्ट्रक्चर विच अलाउज इट टू बी स्फेरिकल इन शेप ठीक है तो इसमें जैसे आपके प्रोटीन्स एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल है आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन ठीक है जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है केमिकल ट्रांसपोर्ट में और भी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जिसका थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर है है ना अब आप देखोगे क्या ये देखो ये हीमोग्लोबिन है जिसमें ये हीमोग्लोबिन का टर्शरी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है बट इसमें सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन वो है प्रेजेंट है ठीक है अब ये लास्ट है ये लास्ट क्या है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर तो आप क्वार्टनरी स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर सो वॉट यू विल सी हियर कि क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स में आप देखते हो कि जैसे ये था ना आपका ये हीमोग्लोबिन है उसमें एक ही चेन प्रेजेंट है टर्सरी स्ट्रक्चर में अब यहाँ पर कितनी चेन्स प्रेजेंट है पॉलीपेप्टाइड की ठीक है और उसमें कितनी सब यूनिट्स प्रेजेंट है वो उन दोनों को अरेंज करके आपका बनता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर सो दीज आर दब यूनिट फोर सब यूनिट एक है बीटा चेन वन बीटा चेन टू अल्फा चेन और एक है अल्फा चेन टू सो दिटेडर अब हिमोग्लोबिन में चार पॉलीपेप्ट सिर्फ एक ही पॉलीपैप्टिखाई थी ये है आपकी चार पॉलीपैप्टीक है और दो इसमें अल्फा चेन है दो बीटा चेन है एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका क्वार्टरनी स्ट्रक्चर बनता है और आप ये देख सकते हो हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल लेके यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड एंड द प्रोटीन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट कम्स इन योर एग्जाम इन अ लॉन्ग आंसर ठीक है सो यू कैन राइट नोट्स फ्रॉम हियर दिज आर सफिशेंट एंड ड्रॉ द डाइग्राम जैसे कि ड्रॉ है इसमें ओके सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये वीडियो थैंक यू कीप लर्निंग एंड कीप ज्वाइनिंग